नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मेडिसिन रिव्यू में। और आज हम रिव्यू लेके आए हैं फ्लूका 150 टेबलेट का, जो कि जो है एलर्जी की समस्या को दूर करने के लिए काफ़ी अच्छी और जानी मानी टेबलेट है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इस टेबलेट के क्या क्या यूजेज हैं और क्या इस टेबलेट को खाने से कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और इसकी साल्ट कंपोजिशन के बारे में जानेंगे, और वीडियो के अंत में जानेंगे कि ये टेबलेट किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। तो इन्हीं सभी बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस फ्लूका 150 टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात फ्लूका 150 टेबलेट की करें तो इसे जो है सिप्ला नाम की एक ब्रांडेड कंपनी बनाती है, और इसके सभी ब्रांड जो है बहुत ही अच्छे होते हैं, और ये आपको जो है एक गोली जो है वन टेबलेट 10 से 15 रुपए में किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। और इसमें सिंगल क्वांटिटी दिया होता है फ्लूकोनाजोल, इसमें सिंगल क्वांटिटी फ्लूकोनाजोल दिया होता है, जो कि एक एंटी फंगल एजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके यूजेज की। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को जो एलर्जी की समस्या होती है, तो फ्रेंड्स जो क्या होता है, एलर्जी होने के भी कई कारण होते हैं। जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है या आपको किसी भी खाद्य पदार्थ से एलर्जी है तो आपको बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं, आपको दाद, खाज, खुजली, एलर्जी की समस्या हो सकती है। तो उन कंडीशन में हमारी जो फ्लूका 150 टेबलेट जो है बहुत ही अच्छा काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो फ्लूका 150 टेबलेट जो है हमारे शरीर में हो रहे कवक संक्रमणों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपको दाँत खाज खुजली की समस्या है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, या आपको पसीने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग जो है फ्रंट जो है महिलाओं में भी किया जाता है। अगर किसी महिला को जो है सफ़ेद पानी की समस्या रहती है या फिर उसके जो यौन से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है तब भी इस फ्लूका 150 टेबलेट का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, अगर इसके साथ साथ ही अगर किसी महिला के यौन के पास जो है इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, जैसे दांत खाज खुजली की समस्या हो गई है, तब भी जो है इस फ्लूका 150 टेबलेट का उपयोग किया जाता है। या जो आपको किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी डोज की, कि ये टेबलेट आपको किस तरीके से खानी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने जो है आज एक फ्लूका 150 टेबलेट ली है तो उसके 3 दिन बाद आपको दूसरी फ्लूका 150 टेबलेट खानी है, यानी 3 दिन बाद आपको दूसरी टेबलेट खानी है, और इसी तरीके से आपको जो है फ्लूका 150 टेबलेट का लेना है 1 हफ्ते तक। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं ये टेबलेट जो है किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर कोई गर्भवती वूमेन है, गर्भवती महिला है, तो उसे जो है बिल्कुल भी इस फ्लूका 150 टेबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना कराएं, या फिर किसी व्यक्ति ने शराब पी रखी है तो उसे भी इस टेबलेट को बिल्कुल भी ना दें। अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है तो उसे भी ये टेबलेट बिल्कुल भी ना दें। अगर कोई व्यक्ति जो पहले से कोई एंटी एलर्जिक दवाई खा रहा है तो उसे भी ये टेबलेट ना दें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फ्लूका 150 टेबलेट का रिव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल